हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं। उसमें हम कैप्सिकम, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और मूली जो है इसको भी मैंने लंबाई के हिसाब से काट लिया है, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दो टमाटर, कुछ ग्रीन चिलीज और ऑनियन, और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। पहले ही हम जो है तेल गरम करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे तेल गरम हो जाता है हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हम इसमें प्याज ऐड कर देते, तेल गरम हो गया है। साथ ही हम इसमें जो है जीरा ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज जो है ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें मूली फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ एक साथ हम इन दोनों को फ्राई करेंगे। अब देखिए मूली जो है वो फ्राई हो गई है। बस हम इसे इतना ही फ्राई करेंगे। थोड़ा सा जो इसको पानी निकला था वो हमने इसको सुखा दिया है, और अब हम जो है टमाटर तैयार करेंगे। इसको निकाल देते हैं पहले। ये देखिए टमाटर को हमने तेल में डाल दिया है, और एक हाफ चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि इससे जल्दी जल्दी हमारे टमाटर जो है ये तैयार हो जाएंगे। ऊपर से हम इसको ढक्कन रख देते हैं ताकि पानी जो है जल्दी से इसका निकल जाए और ये जल्दी से रेडी हो जाए। ये देखिए आपके ऐसे कितनी जल्दी से जो है टमाटर तैयार हो जाते हैं सिर्फ नमक डालने से, और ऊपर से ढक्कन थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी जो है रेडी हो जाते हैं टमाटर। अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये रेडी हो जाएंगे पूरी तरह से, फिर हम इनमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे। अब जो है हम इसमें जो है कैप्सिकम ऐड कर देते हैं। जो हमने काट के रखे हुए थे कैप्सिकम, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही हम इसमें जो ग्रीन चिलीज है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, अब हम ये ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर देते हैं सारी। थोड़ा सा इसको पकाते हैं कैप्सिकम और टमाटर को एक साथ, और बाद में हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले जो है कोरिएंडर पाउडर डालेंगे हाफ स्पून, और जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून, और मिर्च हम डालेंगे इसमें। इसमें हमने ग्रीन चिली भी ऐड की है, वो बहुत ही टेस्टी है, तो इसमें हम 1.5 स्पून जो है रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें हल्दी का जो है हाफ स्पून, जो इसमें हाफ से भी थोड़ा सा कम मैंने ऐड कर दिया है, बिकॉज इस वाली हल्दी का रंग जो है बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम इसको यूज किया है। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा तैयार करेंगे। इससे पहले जो है हम इसमें मूली ऐड करेंगे, जो हमने फ्राई करके रखी थी। प्याज और मूली तैयार करके रखे थे, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, रेड व्हाइट एंड ग्रीन कलर का हो गया है ये। इसमें आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स। मेरा मूड था ये वाली वेजिटेबल्स खाने का, तो इसलिए मैंने बस
तीन किस्म की वेजिटेबल्स ऐड की है। आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप जो आपकी फेवरेट वेजिटेबल है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लोग इस मसाले को हम थोड़ी देर पकाएंगे और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन वाटर, उसका जो जूस मैं निकाल के रखा था, थोड़ा सा पानी हमने उसमें ऐड किया था और वही हम इसको डालेंगे ताकि उससे थोड़ी खट्टी खट्टी भी बनेगी। हम इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करते हैं क्योंकि हमने जो है इसमें सिर्फ टमाटरों के साथ नमक डाला था, थोड़ा सा और हम नमक इसमें ऐड करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसमें ताकि मसाला जले ना। ये वाला पानी जो है हमने ऐड किया है, मसाला जो है वो जल जाता है जब भी सब्जी जो होती है टमाटर सूखी कोई भी वेजिटेबल होगी इस पैटर्न की, वो जल्दी से जो है नीचे से बर्तन को लग जाता है, इस वजह से जो है मसाला तैयार होना चाहिए। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, इसको हम पहले अच्छे से तैयार करेंगे मसाले को, बाद में हम इसमें जो है खट्टा पानी डाल देंगे डाल के। इसकी वजह से आप इसको फिर बाद में एक काम भी कर सकते हो, थोड़ी सी मोटी मोटी ग्रेवी भी रख सकते हैं या पूरा इसको सुखाने के लिए रख देंगे आप, तब तक जब भी पूरा नहीं सूख जाएगा तब तक वो गैस पे ही रख देंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का खाना चाहेंगे। देखिए जो मैं इसमें पानी डाल दिया था ये इस टाइम पक रहा है। अब हम जो है इसी के साथ, मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो है हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें खट्टा पानी ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको बोला कि मैंने लेमन जूस रखा है, आप इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम जो है इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे जो मैंने उस बर्तन में डाल दिया जहाँ उसमें मैंने मूलियाँ फ्राई करके रखी थी, क्योंकि उसमें तेल था तो मैंने सोचा कि क्यों ज़ाया करेंगे, मैंने वो पानी इसी में ऐड कर दिया ताकि वो तेल भी है जो है था सारा तेल जो उसमें था वो सारा जो है इसी में आ जाएगा। ये देखिए ये मैंने सारा पानी जो है इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको इसी पानी में अच्छे से पकाएंगे। मूलियां हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वैसे भी मैंने इनको फ्राई करके रखा था तो उतना टाइम नहीं लगेगा, बस आधे घंटे तक तैयार हो जाएगा ये। फिर हम आपको उसके बाद दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। धनिया ऐड कर देंगे हम, ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा ग्रेवी अभी भी है। देखिए गैस से उतार के हमने इसे डिश आउट कर दिया है, ये इस टाइम बिल्कुल रेडी है। हमने जो ये सारी सब्जियां ली थी और इसमें हमने लेमन जूस ऐड किया था, उसकी वजह से ये खट्टा हो गया है और उस खट्टेपन में बहुत ही मजा आता है। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए अपनी पसंद की वेजिटेबल्स के साथ और फिर देखिए कि कैसा टेस्ट आता है इसमें। और थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज एंड for your support and subscribing my link. Thank you so much. See you next time.